बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में जालसाजी का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है और ये गिरोह फर्जी जीएसटी नंबर बनाकर करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था। गिरोह के सरगना समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से करीब 3000 फर्जी जीएसटी फॉर्म, फर्जी आधार कार्ड, 24 कंप्यूटर, करीब 7 लाख लोगों का डेटा बरामद किया गया है। ये उन लोगों को झांसे में लेते थे जो नशे के आदि हैं, उन्हें पैसे का लालच देकर उनसे दस्तावेज ले लेते थे और उसी के आधार पर फर्जी फर्म रजिस्टर्ड कराई जाती थी, फर्जी बिल बनाए जाते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट करवाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जाता था। और अब इस बड़े जालसाजी गिरोह का खुलासा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर नोएडा से है, जहां पर एक फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को फर्जी जीएसटी बिल लगाकर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। एक आइडेंटिटी फ्रॉड का एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें किसी के पैन कार्ड का नाजायज इस्तेमाल होते हुए पाया गया था। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने पर हमने पाया कि एक एक लोग हैं जो कि इन पैन कार्ड्स का नाजायज इस्तेमाल करके कंपनियों का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब तक 2260 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया है। उसमें फिर ये फोटो मॉर्फ करके जीएसटी का ओरिजिनल पिन जनरेट करवाते हैं और फिर ई वे बिल के फर्जी तरीके से बनाते हुए उसमें जीएसटी क्रेडिट को लेते हैं। सीएस के माध्यम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ये इसमें दूसरी कंपनियों में इस पैसे को मोनेटाइज करवाते हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।